प्यारे साथियों, फिर से आप सभी को नमस्कार है। हम लोग आज इस एक बड़ी मैराथन क्लास में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर को और बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड चीजों को आप लोगों के जुडिशियल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस पर हम डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। जो जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप लोग चाहें तो साथ के साथ उसे लिखते भी रहेंगे। सबसे पहले भी हाल ही में एक खबर आई है, हम लोग करंट अफेयर से देखेंगे। चीन के साथ में क्या खबर आई है कि चीन विश्व का एक ऐसा देश बना है अभी हाल ही में, जहां पर पेटेंट क्या है, यानी पेटेंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, यानी कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिजर्व करने के लिए जो राइट लिए जाते हैं, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इस तरह के जो राइट लिए जाते हैं उसे पेटेंट बोलते हैं। तो चाइना जो है वर्ल्ड में पहले नंबर पर है, और इस पहले नंबर पर कौन है, चाइना, इस तरह को। और इस पेटेंट को कौन देता है, यानी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर पेटेंट जारी करने वाला ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पेटेंट जो दिए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर, वो दिए जाते हैं WIPO, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, आप लोग लिख लेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि विश्व के सभी देशों में यदि कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई खोज कर रहा है, तो वो किस तरह से अपने इस इंटेलेक्चुअल नॉलेज को रिजर्व रख सकता है अपने फायदे के लिए, ताकि उसका कोई मिसयूज ना करे। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में इसके जो मेंबर हैं वो 190 देश इसके जो हैं वो मेंबर हैं। और इसके अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, वो है हेरिंगटन इसके जो है अभी वो क्या बोलते हैं, इसके हेड हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये काफी चर्चाओं में रहने वाली चीज है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर लेके चलूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोगों ने तैयार करें, इस तरह के 10 इस क्लास में। और भी बहुत सारी चीजें मैं साथ के साथ आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी में भी है, आपका इंग्लिश में भी है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों को इससे परेशानी नहीं होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है। तो इनकोर ऐप की बात करें हम लोग, तो इसमें चार ऑप्शन आपके साथ में दिए हैं, तो वो कौन है भैया, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर, किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग इनकोर ऐप की बात करेंगे। ये जो बात करता है, ये आप लोगों की बात करता है इनकोर ऐप, वो किससे करता है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि भारत में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आज भी वोटिंग हो रही है 5 राज्यों में, तो इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से इलेक्शन को मैनेज करना है, मैनेजमेंट को लेकर, खासकर उन लोगों के लिए जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट मतलब जो चुनाव में उम्मीदवार हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उनके डाटा को संरक्षित कैसे करना है, तो उसके लिए ये इनकोर ऐप बनाया है। मैनेजमेंट ऑफ, आप लोग लिख लेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द कैंडिडेट, कौन कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा है, उसके लिए ये बनाया, उसके प्रबंधन के लिए, पहली बात। और किसने, इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं, आर्टिकल 324 में हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं। और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन, आप लोग मुझे बताइए कि कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, रोज जल्दी। और इसे अगर हम बात करें तो अभी कौन हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, तो वो है, कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। तो राजीव कुमार कौन है हमारे, राजीव कुमार हमारे कौन है, वो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में हम लोग इलेक्शन कमीशन को देखते हैं। वेरी गुड अश्मी जी। तो इसके साथ अगर हम बात करें तो आगे देखो, इसमें 3-4 बातें और दे रखी हैं। एक है, आप लोग ये देखिए, अगर सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम लोग सीवीसी कहते हैं, सीवीसी, तो ये कौन है, अभी जो सीवीसी हमारे बने हैं, कौन सीबीसी कौन बने बताइए। अगर मैं बात करूं आपसे तो ये 1964 में सीबीसी बना था, किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से, संथानम आयोग, संथानम कमेटी, आप लोग लिख लेंगे, संथानम कमेटी के। और सीबीसी क्या है, एक स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है,
क्या है, स्टैच्यू बॉडी है, स्टैचुरी यानी एक विधिक बॉडी है जो एक्ट के द्वारा बनाई गई, जबकि इंडियन इलेक्शन कमीशन क्या है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये बनी थी 1964 में संथानम कमेटी के आधार पर। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, आप लोग लिख लेंगे, और दो इसके अदर मेंबर होते हैं। और सीबीसी बनने के लिए अगर हम बात करें वर्तमान में जो सीबीसी है तो वो है हमारे कौन, आप लोग लिख लेंगे कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हमारे एट दिस टाइम कौन है भैया, हमारे हैं कौन, वो हैं सीबीसी। अगर मैं बात करूं तो सीबीसी बनने की इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करेंगे। और राष्ट्रपति एक कमेटी बनेगी, और उस कमेटी की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो कमेटी कौन सी होगी, उस कमेटी में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें पीएम साहब होंगे, होम मिनिस्टर होगा, और होम मिनिस्टर के साथ साथ इसमें जो आपका अपोजिशन लीडर है यानी विपक्ष का नेता जिसे कहते हैं, इस इन तीन लोगों के आधार पर एक कमेटी बनेगी। और इन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, सीबीसी को नियुक्त करते हैं। बात क्लियर। इसके बाद इसमें चौथा ऑप्शन है, आप देखेंगे वो कौन सा है चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आप लोगों के इसमें दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फटाफट से देखेंगे, इसके बारे में कुछ हम फैक्ट देखना चाहेंगे। तो रिजर्व बैंक यानी बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक इसको कहते हैं, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1934 में की गई थी 1934 के आरबीआई एक्ट के द्वारा, या आपने देखा होगा 1935 का जब भारत सरकार अधिनियम आया था तब इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में। इसका क्या हुआ है, नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो है आप लोगों का मुंबई में, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो एक रुपए के नोट के अलावा बाकी सारी करेंसी, एक रुपए का जो नोट है उसको छोड़कर बाकी सभी करेंसी को जो रिलीज करता है वो करता है कौन, वो करता है आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो है आपके 23वें गवर्नर, कौन है आरबीआई गवर्नर, वो है अमिताभ कांत जो है, आप लोग जो है नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात क्लियर होगी, रिजर्व बैंक से रिलेटेड सारे फैक्ट आ गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों ने देखा होगा, आप मुझे बताइएगा कि सीबीआई के अभी हाल ही में, बिल्कुल अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, सीबीआई के कौन गवर्नर वो बने हैं, अभी चेयरमैन चीफ कौन बने हैं सीबीआई चीफ, जल्दी इनसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यदि किसी को आप लोगों को पता है। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, इतने मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसका भी आंसर मैं आप लोगों को करूंगा, तब तक आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, वो है 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इसमें सही आंसर होगा झारखंड। कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी झारखंड की। अगर हम छत्तीसगढ़ की देखें, छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को, और हम देखें उत्तराखंड तो उत्तराखंड बना था आप लोगों का 9 नवंबर को। तीनों के ईयर सेम है, सन 2000 में इनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया गया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, बात क्लियर होगी आप सभी को। मिजोरम का नाम यहां पर आया, मिजोरम में भाई इलेक्शन चल रहे हैं तो ये भी आप लोग याद रखना, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं आरबीआई। अच्छा हाँ, आरबीआई की स्थापना जो ना 1 अप्रैल कर लेंगे, वो 1 जनवरी बताया था ना शायद मैंने, 1 अप्रैल कर लेंगे, ठीक है। अब 5 राज्यों में चुनाव है, आप अभी अभी जो चल रहे हैं, तो 5 राज्यों में किस किस में चुनाव है, अभी वोटिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मिजोरम देखेंगे आप लोग, मिजोरम 40 सीटें हैं, फिर है तेलंगाना, तेलंगाना में कितनी सीटें, 119 सीटें हैं, फिर आपका एमपी है 230 सीटें हैं, राजस्थान है, राजस्थान में 200 सीटें हैं, और आपका तीसरा बचा है कौन सा, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कौन सा है, छत्तीसगढ़ में आपकी 91 सीटें। बात क्लियर होगी, इसको नोट करिए आप लोग, ये सीटें विधानसभा की सीटें आप लोगों से आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब लिखेंगे, अभी हाल ही में मैंने पूछा था सीबीआई के चीफ कौन बने, तो वो बने हैं वी चंद्रशेखर, ठीक है। सीबीआई के चीफ कौन बने, वी चंद्रशेखर, अभी हाल ही का रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ,
तो ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। तो पांच राज्यों के चुनाव होते हैं, चुनाव कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में? पार्ट 15 में। आर्टिकल कौन सा? 324। और इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी क्या है? एक कमिश्नर होगा और दो साथ में डिप्टी कमिश्नर उसके साथ होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्शन कमीशन की, तो इसका काम क्या है? राज्यों की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कंडक्ट कराना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम देखें आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे मैं देखूं तो वो है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये आप लोगों को इसमें आंसर जो है वो करना है। तो इसका सही आंसर आपको प्यारे बच्चों बताना है, इसका सही आंसर है क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? शीतल महाजन। क्या नाम है इनका? शीतल महाजन। बात के लिए आज के अखबार में आप लोगों ने पढ़ी होगी खबर। तो शीतल महाजन कौन है? वो है माउंट एवरेस्ट के पैरेलल 21,500 फीट से इन्होंने क्या करा है? इन्होंने वहां से क्या करा है? स्काई ड्राइव लगाकर वहां से लैंड किया है। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इसे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक के रूप में, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक के रूप में हम लोग जो है इसको जानते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज आप लोग नोट करेंगे, जिसकी लंबाई है 8,848 मीटर, ये आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज कि इस ये कहां पर है? नेपाल राज्य में, नेपाल के चाइना बॉर्डर से बनता है, और इसका ओल्ड नेम याद रखेंगे, जहां पर पहले माउंट एवरेस्ट हुआ करता था ये पार है अब, इस पहले एरिया को कहते हैं क्या? सागर माथा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब बात नेपाल की आई है, तो नेपाल से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं, जल्दी से बताइए। यहां के पीएम बताइए, पीएम है पुष्प कमल दहल। कौन है नेपाल के? पुष्प कमल दहल। और राष्ट्रपति बताइए, राष्ट्रपति चलिए आप लोग बताइए, राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और इसी काठमांडू में क्या है? इसी काठमांडू में है शार्क, शार्क का हेडक्वार्टर, शार्क, ठीक है। बात क्लियर है। राष्ट्रपति कौन है इसके? तो राष्ट्रपति है रामचंद्र पोंडेल, आप लोग नोट कर लेंगे। क्या है? रामचंद्रा पोंडेल, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात क्लियर है, एक एक चीजें क्लियर हो रही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की बात आई है, तो क्यों ना और एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए। देखो, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? आपने देखा अभी माउंट एवरेस्ट। भारत की कौन सी है? अपने इंडिया की कौन सी है? इंडिया की सबसे हाईएस्ट है के2 गार्डबिन। अब यहां पे सुनो, हिमालय की, ये क्वेश्चन क्लियर कर लो आप लोग, हिमालय की, ऐसे देखो हिमालय रेंजेस भी है, हिमालय रेंजेस की इंडिया में यानी भारत में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय रेंजेस की, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, लेकिन केटू जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है किसका? काराकोरम का। काराकोरम आप लोग नोट कर लेंगे, काराकोरम रेंजेस का। रेंजेस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ये क्या कहलाता है? ये रेंजेस कहला जाता है। तो केटू किसका पार्ट है? काराकोरम का। और ये कहां पर है? ये लद्दाख में, जो पीओके में पार्ट पड़ता है, ठीक है। अब हिमालय की रेंजेस भारत में सबसे ऊंची कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है भैया? वो है आपकी सिक्किम राज्य में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। विधानसभा सीट 40 है यहां पर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फटाफट से, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं डलवा दूंगा आपके ग्रुप में, तो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, ये अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, इसका राइट आंसर इज वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का भारत के पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हम लोग 36 से लेकर 51 तक हम लोग देखते हैं, इसके अंदर एक आर्टिकल आप लोग देखेंगे, आर्टिकल कौन सा है? 44 में भी समान सिविल संहिता की बात जो है वो
की गई है। भीमराव अंबेडकर जी भी इस पे कहते थे कि एग्जीक्यूट कर देनी चाहिए, लेकिन अब यहां पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर। आप लोग देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। यदि आप लोग मुख्य परीक्षा कर रहे हैं जुडिशियरी एग्जाम की, तो इंटरव्यू प्लस मेन के लिए ये आने वाले 3-4 सालों में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा। अब बात यहां की कुछ उत्तराखंड की आती है, तो देखो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आप लोगों को करा देता हूं फटाफट से। तो उत्तराखंड में देखो सबसे इजी बता देता हूं आपको, उत्तराखंड की झीले यानी लेक याद कैसे करनी है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। केवल केवल और केवल ऐसी झीले जिनके पीछे ताल लगा है, ताल एक बस बिहार में हो रहे रोहित, जिसके पीछे ताल लगा है, जिसके पीछे ताल लगा है वो सारी लेक कहां की, उत्तराखंड की। जैसे नैनीताल, नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल, खुरपाताल, ठीक है, जितने भी ताल वाली वीडियो सॉरी ताल वाली लेक है वो सारी कहां की है, वो आपकी उत्तराखंड की। परंतु एक आप लोगों को याद रखनी है, वो कौन सी है, कंवरताल, कंवरताल, ठीक है, ये कहां पर है, ये है आपके बिहार में, ठीक है। बाकी कंवरताल को छोड़कर सारी की सारी कहां पर है, वो है आपकी कहां पर, उत्तराखंड में। जैसे सात ताल, राकस ताल, सारी की सारी कहां पर है, नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल, ठीक है, ये सारी कहां पर है, ये सारी की सारी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एग्जाम के क्वेश्चन बनने के आपको हैं। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में था, लेकिन अब इसको कहां पर ला दिया गया हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का, वो कर दिया है आप लोग याद रखेंगे हल्द्वानी में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड से। और मैं आप लोगों को बता दूं, नेशनल पार्क उत्तराखंड के, उत्तराखंड का और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बना था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिसका नाम अभी क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं जरा फटाफट से। तो हम देखेंगे जिम कार्बेट पहला कौन सा है, जिम कार्बेट है। फिर हम देखेंगे कौन सा है, वो है आपका गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार। फिर हम देखेंगे वो है नंदा देवी, नंदा देवी। फिर हम लोग देखेंगे वो है राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। और एक है आपका फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। तो ये नेशनल पार्क है आप लोगों के उत्तराखंड राज्य से संबंधित। बात क्लियर होगी, आगे बढ़े। चलिए वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे भी होगा वो आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो है चर्चा में रहा, चर्चा में एक आइसलैंड है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। तो वो है क्या, वो है आपका चर्चा में रहा, देखना रोहित, चर्चा में रहा द्वीप तुवालु किस शहर, किस महासागर में स्थित है, इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट से। इसका आंसर क्या है, द्वीप तुवालु ये एक आइसलैंड है, आइसलैंड, आइसलैंड कौन सा है, तुवालु। ये एपीओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर मुझे आप बताइए फटाफट से। इंडियन ओशियन एक है, इंडियन ओशियन है एक ऑप्शन है आपका, आर्टिक ओशियन है एक है, प्रशांत महासागर है एक है, आपका अटलांटिक ओशियन है। बताइए फटाफट से इसका कौन सा सही आंसर होगा, फटाफट से सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो आंसर इस वो है कौन सा, पैसिफिक ओशियन। ये अभी चर्चाओं में है, किस लिए, पैसिफिक ओशियन, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कहां पर है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। वो है पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, पूर्वी कमान से मतलब ई चीफ ऑफ द ईस्ट नेवल कमांड, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके सही आंसर आप लोगों को बताना है, वो कौन बने हैं, वो कौन बने हैं इसके। अब देखिएगा इसमें विवेक राम चौधरी कौन है हमारे, आप लोग बताइए विवेक राम चौधरी कौन है, एयर चीफ है हमारे। आर हरि कुमार कौन है, ये हमारे नौसेना, नौसेना प्रमुख है। अब इसमें कौन है सही आंसर, तो राज आर इसका सही आंसर है कौन, राजेश धनखड़ साहब, इनके आप लोग लिख लेगा। और नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे, तो आर्मी डे भी लिख लो भाई, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी। और आर्मी चीफ कौन है हमारे, वो है मनोज पांडे साहब,
ठीक है। तो पांडे साहब कौन है? आर्मी चीफ। अब सीडीएस एक वर्ड है, सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो ये 1999 के कारगिल वार के समय इस पद को लाने की बात की गई थी। 1999 के जो आप लोगों का कारगिल वार हुआ था, कारगिल वार के समय इस पद को लाया गया, परंतु एग्जीक्यूट अब हुआ है। तो फर्स्ट सीडीएस कौन बने थे हमारे? फर्स्ट सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के थे, बिपिन रावत साहब, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु में कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अभी दूसरे कौन है? वो है जनरल अनिल चौहान साहब, ठीक है, अनिल चौहान, ये आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। वैसे हमारी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति। क्लास ठीक लग रही है आपको? समझ में आ रहा है सभी को? चीजें कर लोगे आसानी से? बहुत सारे फैक्ट में ऑब्जेक्टिव के आधार पर आप लोगों को सारी चीजें मैं करा दूंगा, उसकी आप फिक्र मत करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने करी है? हु ऑफिशियली अनाउंस द विड्रॉल ऑफ द ट्रीटी ऑफ यूरोप आर्म फोर्स। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चाओं में भी रहा अभी, और इसमें मुझे आप बताइए कौन सा देश इससे जो है अभी बाहर हुआ है, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे, जिन जिनको पता है, किसी को पता है कौन सा हुआ है? तो ये हुआ है क्या? रशिया। कौन हुआ है? रूस इससे बाहर हुआ है। कौन हुआ है? रूस इससे बाहर हुआ है। और इस ये ट्रीटी हुई थी 1990 में एक ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी को जाना जाता है सीईएफ, यानी सीएफ सेफ ट्रीटी इसको बोलते हैं, सॉरी सीएफई, इस ट्रीटी को कहते हैं सीएफई, ठीक है, सेफी इस ट्रीटी को कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूरोप, इस ट्रीटी का नाम है। इस ट्रीटी से बाहर हुआ है रशिया, और रशिया क्यों बाहर हुआ है भैया? इसमें रूस का यह कहना है कि देखो अभी नाटो में शामिल हुआ है कौन? 31वां देश फिनलैंड। तो यूरोप का कहना है कि भैया तुम तो और वेपन्स वाले ऑर्गेनाइजेशन में, जो सैन्य मिलिट्री ऑपरेट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो रहे, जबकि हमारी ट्रीटी में हमारी सिग्नेचर हुआ था कि कोई भी अपने आर्मी फोर्स को बढ़ाएगा नहीं, 1990 के बाद स्थिर रखेगा। तो आप लोग यदि नाटो में जा रहे हैं तो भैया इस ट्रीटी से हम बाहर निकल रहे हैं, तो रूस इससे बाहर निकल गया, ठीक है। अब बात आती है यहां पर, क्योंकि नाटो वर्ड आया तो पहले नाटो को देख लेते हैं। क्या है नाटो? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। और अभी मेंबर कितने हो गए? 31 मेंबर इसमें है, और इसी के चक्कर में, क्योंकि रशिया मना कर रहा है यूक्रेन को कि भैया इसमें शामिल मत हो, इसीलिए लड़ाई हो गई। और लड़ाई की झड़ है कौन? बोन ऑफ कंसेंसन कौन है? वो है नाटो। और नाटो क्या है? इट इज अ आर्मी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें शामिल होने का मतलब है कि यदि किसी एक देश पे कोई झगड़ा हो गया, कोई उंगली उठा दी, तो ऐसा मान लिया जाएगा सब पर उंगली उठा दी है। बात क्लियर होगी कभी? चलिए अब देखो, इस ऑप्शन में तुर्की आया। तुर्की में एक भूकंप आया था, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की के साथ, ठीक है। और तुर्की की कैपिटल बताइए जल्दी मुझे, तुर्की की कैपिटल सारे बच्चे बताइए। इजराइल में, देखो इजराइल, अभी इजराइल में भी लड़ाई चल रही है, तो इजराइल में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय, आप लोग याद रख लेंगे। और यूक्रेन के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। तुर्की की राजधानी बताइए, तो तुर्की की राजधानी है कौन सी? द कैपिटल ऑफ तुर्की, वो है अंकारा, ठीक है। बात क्लियर हो गया सभी को? और यूक्रेन की क्या है? यूक्रेन की कैपिटल बताइए सारे, यूक्रेन की कैपिटल बताएंगे सारे। ये सारी चीजें आप लोग प्लीज साथ के साथ ही लिखते जाइए, नोट करते जाइए, नोट्स बनाते चाहिए, तभी इसका फायदा हो, ठीक है। तो कीव कहां की है? कीव वो है आपकी यूक्रेन की। और इसराइल तो काफी चर्चाओं में, इसराइल और फलस्तीन में अभी गाजा को लेकर लड़ाइयां चल रही है, इसको लेकर मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसमें सही आंसर होगा वो कौन सा है, डायना इडुलजी, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए उसी दिन तीन को बनाया है, तीन को भारत के, एक वीरेंद्र सहवाग थे, एक डायना इडुलजी थे, तीसरे का नाम और मुझे बताइए जो श्रीलंका के थे, उनका नाम बताइए जिन्हें आईसीसी में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, नाम बताइए। तब तक मैं आपको आईसीसी के बारे में कुछ बता देता हूं। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई में है। अगर हम बात करें इसके फुल टाइम जो मेंबर हैं इसके, वो अभी 12 सदस्य हैं, 12 और 12 मेंबर है। अभी हाल ही में किसको बर्खास्त किया गया, टर्मिनेट किया गया, तो आईसीसी ने किसको टर्मिनेट किया है, वो श्रीलंका को किया गया। किसको किया गया है, श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को टर्मिनेट किया गया। बात होगी क्लियर आप सभी को, श्रीलंका को क्या किया गया भैया, टर्मिनेट कर दिया, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हॉल ऑफ फेम में तीन लोगों को शामिल किया गया, फर्स्ट इज डायना इडुलजी, इंडियन क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर हैं, दूसरे आपके हैं वीरेंद्र सहवाग और तीसरे हैं श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, उनका नाम है अरविंद डी सिल्वा। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, अरविंदा डी सिल्वा कौन है। इन तीन लोगों को आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एक बार दोबारा बता देता हूं, आईसीसी ने लाइफ टाइम हॉल ऑफ फेम में ने शामिल किया है डायना इडुलजी, भारतीय वुमेन क्रिकेटर हैं, और एक वीरेंद्र सहवाग हैं और एक अरविंद डी सिल्वा हैं जो श्रीलंका के। श्रीलंका को अभी आईसीसी ने टर्मिनेट भी कर दिया है। आईसीसी के फुल टाइम मेंबर हैं 12 और एसोसिएट मेंबर कितने हैं आईसीसी के, वो हैं 94। 94 देश हैं, जैसे नेपाल भी है और देश में यूएसए भी है इसमें। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर होगी सभी को, याद हो रही है चीजें। ठीक है, तेजी से आप लोग लिखने की आदत डालेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो छोड़ जाएगा बबुआ, फिर देखते रहना आप लोग मेंस में ऐसे। तो इसके बाद अब देखो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो एक बार जरा इस पे नजर डाल लेते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, तो इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि ये क्या है, क्यों जरूरी है, क्या कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका एडिशन है एक तो 13वें नंबर का है। कौन से नंबर का है भाई साहब, ये 13वें नंबर का है। कौन से नंबर का, वो है 13वें नंबर का। ठीक है, कितनी टीमें भाग ले रही है इसमें, कौन बताएगा, तो इसमें टीमें भाग ले रही है आपकी 10 टीमें। कितनी, 10 टीमें इसमें जो है वो भाग ले रही है, किसमें, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ठीक है, कितनी भाग ले रही है, 10। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं पहली बार वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1975 में, और जो 1975 का था वो किसने जीता था, वो जीता था आपका वेस्ट इंडीज ने पहली बार जीता है। भारत अभी दो बार वर्ल्ड कप जीता है, 2011 उसमें 1983 में और 2011 में भारत ने दो वर्ल्ड कप टाइटल ओडीआई वाले जीते हैं, बस इसके साथ तीसरा आपको परसों को जीत ही जाएंगे, आपको पता ही है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ओहो, अगर मैं बात करूं आपसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, देख लेते हैं एक बार, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर है, एक है ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर ऑफ वर्ल्ड कप ये 2023 का, तो ये कौन है, ये बने हैं आपके कौन, सचिन तेंदुलकर साहब। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एंबेसडर कौन है, इसी के ब्रांड एंबेसडर कौन है, तो ब्रांड एंबेसडर कौन है इसके, तो वो कौन है, वो लिखेंगे आप लोग शाहरुख खान साहब। ठीक है, शाहरुख खान, बात क्लियर होगी सभी को, दोनों क्वेश्चन समझ, ग्लोबल जुड़ रहा है तो सचिन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जुड़ रहा है तो शाहरुख खान, बात क्लियर,
कौन सी टीम टर्मिनेट हुई है? श्रीलंका। ठीक है, फाइनल मैच कहां हो रहा है? आपके अहमदाबाद में, परंतु अभी फाइनल 19 तारीख में हो जाएगा, होपफुली हम ही जीतेंगे। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड का थीम सॉन्ग क्या है? थीम सॉन्ग की बात करें तो वो है, थीम सॉन्ग क्या है? वो है दिल जश्न बोले। क्या है? दिल जश्न बोले। ये आप लोगों को याद रखने, क्या है? दिल जश्न बोले। बात क्लियर होगी सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, और यहां का इसका है मास्कट। क्या है मास्कट? मतलब शुभांकर होते हैं जो आपका मास्कॉट होता है। तो वो क्या है? वो है आपका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो मास्कट है वो है आपका क्रिप्टोवर्स। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? साथ के साथ आप लोग लिखते रहिए। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में। और इस आईसीसी का भी चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम लिख लेंगे। उनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले। और ग्रेग बार्कले कहां के हैं भैया? जिनको अभी हमने हराया था, न्यूजीलैंड को। बात क्लियर है? न्यूजीलैंड के है। बात क्लियर, याद हो गया? अब भारत में सबसे बड़ी एजेंसी कौन है क्रिकेट कराने की, जो भारत के कॉन्टेस्ट में बात करते हैं? तो भारत के कॉन्टेस्ट में बात करते हैं तो भारत में कौन करा रहा है? बीसीसीआई। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अभी जो इसके चेयरमैन कौन है, यानी प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? वो है रोजर बिल्ली साहब। और हमारे भारतीय टीम के कोच कौन है? अब कोच दो होंगे, एक तो होगा मेल टीम का, फीमेल का बताओ जरा आप लोग, फीमेल का कौन बना है? अभी बना है रमेश पवार साहब, चेंज हो गए। तो यहां पर तो है राहुल द्रविड़। अब फीमेल में कौन है? फीमेल क्रिकेट टीम का कोच कौन है? अभी तीन चार दिन पहले चेंज हुए, जल्दी मुझे बताइए फटाफट से, सारे बच्चे फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, राहुल द्रविड़ तो हमारे इंडिया के मेन टीम के, इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यार, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, फीमेल के कौन बने? फीमेल क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़ कोच हैं मेल क्रिकेट टीम के। मैं पूछ रहा हूं फीमेल क्रिकेट टीम के, फीमेल टीम के क्रिकेट टीम के बताइए कौन बने? तो वो बने हैं अमोल, कौन बने? अमोल मजूमदार। आप लोग नोट कर लेंगे, अमोल मजूमदार। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर होगी बात सभी को? ये चीजें आप लोगों को नोट कर लेनी है साथ के साथ। अगर ये क्लासेस आप लोग डायरेक्टली ऐसे फॉलो करेंगे तो देखो हम लोगों ने भी कितने क्वेश्चन करें, अभी तो हमने 8 क्वेश्चन करें, और 8 में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 100 से ज्यादा फैक्ट आप लोगों को लिखा दिए होंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है, यानी वनडे मतलब ओडीआई में। ठीक है, तो इसमें किसने बनाए हैं? आप तो पता ही होगा आप लोगों को, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सर्वाधिक शतक आपको पता ही है, वो आंसर इज विराट कोहली। ठीक है, कितने हो गए? 50 हो गए। सचिन तेंदुलकर साहब के कितने? 19 है। ठीक है, वो 49 है। ठीक है, ये तो आपको पता है, मतलब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इसको तो आपको हर कोई याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है यहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट में नए जज के रूप में हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंग्लिश मीडियम वालों, आपको तो दिमाग सही है, आपको तो बुखार नहीं आ रहा कि टारगेट फॉर आईक्यू पे हिंदी हिंदी में कराते हैं सब, इंग्लिश मीडियम वालों की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? इंग्लिश मीडियम वालों जरा मुझे बता दो आप लोग, ठीक है, समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? अब तो हमने सतीश चंद्रा जी की भी स्पेलिंग, इन सबकी स्पेलिंग हिंदी में इंग्लिश में भी है, आपको ऑल ऑफ द अबव की भी स्पेलिंग इंग्लिश में कर दी है अब तो।
ठीक है, तो आपको दिक्कत तो नहीं आ रही। चलिए जल्दी से इसका आंसर कौन बनाया अभी, सतीश चंद्र शर्मा, ठीक है, कौन बनाया, सतीश चंद्र शर्मा, ठीक है। लेकिन एक नहीं बनाया भैया, ध्यान से पढ़ना है किन्हें किन्हें नियुक्त किया गया। तो इसमें देखेंगे कौन कौन है, अभी तीन बने हैं, कौन से, कौन कौन से, सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टिन जॉर्ज महेश और संदीप मेहता, यानी आंसर इज उपयुक्त ऑल ऑफ द अबव। यही गलती होगी, कभी एक नाम आप लोग अभी, कभी एक नाम पे आप लोग, तो ये तीनों अभी जज बने। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट में, 30+ बनी, यानी 34 जजेस हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहां है भैया बताइए, मुझे बताइए, आर्टिकल 124 से 147 तक हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं, आर्टिकल 124 से 147 तक हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते नहीं पढ़ते, तो जरा देख लेते हैं एक बार कौन कौन से आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या। तो एक बार अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अभी हमारे सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें नंबर के डस्टिक डीवाई चंद्रचूड़ साहब, तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हमारे क्या है, चंद्रचूड़ साहब क्या है हमारे, हमारे सीजीआई है। बात क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों ने देखा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कुछ आर्टिकल की बात कर लेते हैं आप लोगों से, आर्टिकल की बात क्या है, अब आर्टिकल अगर है तो आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल एक है आप लोगों का, आप मुझे बताइए, मैं आर्टिकल लिख रहा हूं 127, आर्टिकल है 129, आर्टिकल है 137, एक आर्टिकल है 142, एक आर्टिकल है 143। ये सारे आर्टिकल आप लोगों को अभी के अभी याद करा दूंगा, एक मिनट में आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 124 में तो हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 124 में तो फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया, और 127 में क्या, एडहॉक जजेस, यानी हमारे क्या है, एडहॉक जजेस के बारे में बात की गई है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश हम लोग कहते हैं। बात क्लियर है, क्लियर होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा 129 में कोड ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कोड ऑफ रिकॉर्ड। अब कोड ऑफ रिकॉर्ड आप मुझे बताइए हाई कोर्ट में किस आर्टिकल में है, अरे एलएलबी वाले हो सारे, तो जल्दी बता दो मुझे, बताइए जल्दी से कोड ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट में, बताओ मुझे किस आर्टिकल में है, अभिलेख न्यायालय जिसको कहते हैं। एक है आर्टिकल 137 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, यानी रिव्यू कर सकता है भैया अपने जजमेंट, अपने खुद का, उसको ये इनहेरेंट पावर दी गई है, ठीक है। और कोड ऑफ रिकॉर्ड कौन सा है, हाई कोर्ट 129 के साथ हम लोग पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को पढ़ेंगे आर्टिकल 215 के साथ, याद कर लेना, लिख लेना, छाप लेना भैया, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे मैचिंग में आएंगे आपसे। हाई कोर्ट को पूरा खत्म करवा देता हूं, कौन अपॉइंटमेंट करता है न्यायाधीश की, राष्ट्रपति साहब करते हैं, किस मेथड के द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, सीनियरिटी के आधार पर, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप मुझे बता दो डीवाई चंद्रचूड़ के जो पिताजी थे उनका नाम और उनका क्रम मुझे बता दो जल्दी से। इसके बाद एक आर्टिकल आपने देखा है वो क्या है, वो है आर्टिकल 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की सियोमोटो पावर लेनी है सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा है राजीव गांधी के हत्यारों को अगर सुप्रीम कोर्ट की सियोमोटो पावर के आधार पर ही तो उन्हें क्या करा गया, उन्हें रिहा किया गया सुप्रीम कोर्ट के पावर के अनुसार ही। भाई साहब अगर हम बात सैरोगेसी वाले मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सियोमोटो पावर, यानी उसकी खुद की पावर, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति किसी भी मामले की, ठीक है। इसके साथ है 143, अरे 143 आपको पता नहीं है क्या है 143 में, कि भाई साहब अगर राष्ट्रपति साहब किसी मैटर पर उलझ गए हैं, विधिक मैटर पर, विधिक मतलब कोई परामर्श लेना चाहते हैं कानून के मामले में, तो भारत का राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है, यह पावर देता है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 143, क्या कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और कौन लेगा, भारत के राष्ट्रपति साहब लेंगे, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति साहब जो है वो लेंगे। हो गया सारा याद, हो गया, कोई दिक्कत है किसी को, बताइए जल्दी से, एडवाइजरी पावर के रूप में हम इसे काउंट करेंगे, वेरी गुड, बताइए जल्दी से, फटाफट से मुझे बताइएगा
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये 10 इंपोर्टेंट एमसीक्यू हम लोगों ने जो है आज देखे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को अब कुछ आगे और इंपोर्टेंट करंट अफेयर तेजी से आप लोगों को करा देता हूं। एक बार जरा मुझे बताइए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस किस को शामिल किया गया है? किसको? अरविंद डी सिल्वा को, कहां के? श्रीलंका के। और दूसरा कौन है? वीरेंद्र सहवाग। और कौन तीसरा कौन है? भारत की महिला डायना इडुलजी। डायना इडुलजी को याद कर लेंगे। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? दुबई में। आईसीसी का कब स्थापना हुआ था? 1909 में। और आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन है? न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। भारत के कौन है? रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड। भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कोच कौन है? वो है अमोल मजूमदार। याद हो गया? अरे याद हो गया नहीं हो गया बताइए मुझे फटाफट से। ग्लोबल इंटरनेशनल क्रिकेट 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर साहब। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के कौन है? शाहरुख खान। कौन सी कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 10 टीमें भाग ले रही हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? याद हो रहे हैं चीजें? बताइए याद हो रहा है नहीं हो रहा? वेरी गुड वेरी गुड। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन से पार्ट की है? काराकोरम रेंजेस की है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा। भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। यही तो आज हमने पढ़ा है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अब है कावा लेक। कावा लेक, कावा लेक कहां पर है? अभी जो है ये एक्टिव हो गई है कावा लेक, तो ये कहां पर पड़ेगी आप लोगों की? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी बनी है नई न्यू संतारा। न्यू संतारा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 2022 में इंडोनेशिया में इसकी जब राजधानी बाली हुआ करती थी तो यहां पर क्या हुआ था भाई साहब? G20 हुआ था 2022 में। और अभी 2023 में G20 कहां हुआ है? आपके प्यारे भारत में, ठीक है। और G20 2024 कहां हो रहा है? वो हो रहा है ब्राजील में। ये भी आप लोग नोट करते रहिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। G20 की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं, अभी G20 समिट्स आप लोगों ने देखी है तो G20 समिट्स को मैं 2023 के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा आप लोगों को करा देता हूं। भारत में हुई है, भारत की अध्यक्षता में की गई है। अब G20 में कितने मेंबर हो गए? टोटल 21 मेंबर हो गए। देश कितने हैं? 19 है। एक यूरोपियन यूनियन है, एक, और एक अभी हाल ही में कौन बनाया? अफ्रीकन यूनियन। टोटल कितने हो गए? 21 देश, 21 लोग इसमें अब शामिल हो गए। और भारत में जब आपने देखा होगा तो भारत ने जो है ना कुछ गेस्ट कंट्री बुलाई थी, कुछ गेस्ट कंट्री को भारत ने बुलाया था भैया अपने यहां पर, तो उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सी है वो लिख लेंगे एक बार। नंबर एक बांग्लादेश, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर यूएई, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया स्पेन और एक है आपका मिस्र। आप लोग मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री भारत ने इनवाइट की थी। तो बांग्लादेश, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, स्पेन और मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? वो है काहिरा, मिस्र की राजधानी, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। G20 में भारत ने यहां पर बुलाया था, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अगला कहां आ रहा है G20? अगला हो रहा है ब्राजील में। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, ठीक है। याद हो गया तो उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास में काफी कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा, रिवीजन करने के लिए मिला होगा। कैसी आप लोगों को क्लास मिली है प्लीज आप लोग मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह की क्लासेस आप लोगों को डेली हम जो है वो देते रहेंगे। और मेरे ज्यादा से ज्यादा यही रहेगा कि एग्जाम से पहले मैं सारा करंट अफेयर आपको तैयार करा दूं।